हेलो फ्रेंड्स, हाँ मैं हूँ शिवम। आज मेरे पास एक दो प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों प्रोडक्ट के हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। कौन सा प्रोडक्ट कितने काम का है सारी चीज़ें हम देखेंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। प्रूफ है मेरे पास, ये देखो प्रूफ है। आप लोग केवल वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। लेकिन इसको अनबॉक्स किस चीज़ से बोल गया। इसके अंदर है एक पॉलिथीन, ये सी डी किस चीज़ की है अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास एक कनेक्टर, ये किस चीज़ का कनेक्टर है। बहुत लोग पास लैपटॉप होते हैं ताकि अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, या फिर आपके पास सीपीयू है अगर उसमें ये सिस्टम नहीं है तो आप ये सिस्टम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने मॉनिटर के साथ। अगर इसका आपके लाइफ में कोई यूज है तो आप करना है, अदर इसको मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके काम की चीज़ है तो प्लीज़ इसको बाय कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। आप अपना मॉनिटर कनेक्ट करना चाहते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, तब आप इसका यूज कर सकते हो। एक सेल्फी स्टिक, वीडियो स्टैंड, वीडियो लाइट, कई सारी चीज़ें, कई सारे फंक्शन इसके साथ हैं। और इसके साथ एक ब्लूटूथ स्विच भी आता है। ब्लूटूथ स्विच मतलब आप दूर से ही वीडियो फोटोज़ को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है, देखें कितनी ब्राइटनेस है, अंधेरे में कैसा परफॉर्मेंस होगा इसका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। और इसका लेंथ लगभग इतना है, 1 मीटर से थोड़ा कम। प्लास्टिक जो इसमें यूज़ किया गया है उसका मटेरियल अच्छा है, प्लास्टिक का। अपने पैरों पे खड़ा होने लायक है, अपने पैरों पे ये खड़ा हो सकता है। ये देखिए नीचे से कुछ इस तरह से स्टैंड भी अपने। बहुत सारी सेल्फी स्टिक मैंने देखे हैं वो ऐसे लुचुर पुचुर होती रहती हैं, बट ये ऐसा नहीं होने वाला, ये बहुत ही अच्छा है। आपको देखिए एक ब्लूटूथ स्विच देखने को मिलेगा, और ये आपको 360 डिग्री रोटेट के साथ देखने को मिलता है। आप इसको किसी भी एंगल पर रख के शूट कर सकते हो। और ये जो लाइट है आप इसको निकाल भी सकते हो, थोड़ा सा हार्डली है ये, इसको निकाला भी जा सकता है। ये कुछ इस तरह से इसमें लाइट लगी होती है, ये आपको आई थिंक नाइट में काम देगा। जैसे आप नाइट में ब्लॉगिंग कर रहे हो, पिक्चर क्लिक कर रहे हो, उस टाइम आपको ये काम देगा। और इसकी बैकअप आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि छोटी सी लाइट है, बट हाँ आपके काम के लायक है। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे तक की बैकअप ये दे देती है। आपके फ़ोन के फ्लैश के हिसाब से तो रोशनी अच्छी दे देती है। ये कुछ इस तरह से रोटेट भी होती है। आई थिंक ये ब्लूटूथ निकल जाना चाहिए, हाँ ये ब्लूटूथ निकल जाता है। इसको आप लेके हाथ में इसको स्टैंड पर कहीं पर रख सकते हो, और इसका यूज़ करके आप पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो। ऐसे जल्दी इसकी भी बैटरी ख़त्म होती नहीं है, बट अगर कभी ख़त्म होती हो तो आप इसमें एक सेल लगता है, वो सेल आप लगवा सकते हो। इसके अंदर कुछ इस तरह से एक सेल लगा हुआ होता है, इस सेल को आप चेंज करवा सकते हो। 4-6 महीने, 7 महीने आराम से चलेगी ये सेल। बिल्ड क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंड भी है, इसको आप स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हो, सेल्फी स्टिक की तरह यूज़ कर सकते हो। अच्छा खासा लोड ये झेल सकता है, क्वालिटी तो अच्छी है, ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है। मैं तो इसी से ब्लॉगिंग करूँगा। मेरे ब्लॉग चैनल को जिसने नहीं फॉलो किया अभी जाके फॉलो कर सकते हो, क्रेजी गंगा के नाम से वो चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर फॉलो करना चाहते हो तो जाकर फॉलो कर लेना। और रही बात अब इसकी लाइट की, जिसका आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। पीछे आपको एक स्विच देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है। छोटी सी लाइट है, अच्छी खासी रोशनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इतना सारा मैंने माल मटेरियल जला के रखा है, ये जल रहे हैं उसके बावजूद इसकी रोशनी आपको देखिए अच्छे से दिखाई दे रही होगी। इसमें 2 मोड देखने को मिल रहे हैं, ये पहला मोड है, और इसे सेकेंडरी मोड पर आपको थोड़ा सा और फास्ट दिखेगा। ये देखिए और तेज़ होगी इसकी रोशनी, अच्छी खासी रोशनी इसमें देखने को मिलती है। तो रोशनी में डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पोर्टेबल है, चार्जिंग पोर्ट है, आप इसको चार्ज कर सकते हो। आधे घंटे का बैकअप आराम से दे देती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होगे, तो कर लो यार जल्दी से। प्यारा से कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, बाय बाय।